से हिमाचली पेज पर मैं राम भगत नेगी प्रस्तुत आया हूँ आदरणीय प्रदीप कौंडल जी नमस्कार मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज से हिमाचली पेज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ कि मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं कृपया एक बार मुझे बताएंगे मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आगे की परिचर्चा जो है आपके समक्ष रखूं आदरणीय कौंडल जी पूर्ण भगत जी अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो, तो कृपया मुझे बताइए मैं आपके पेज के माध्यम से जुड़ा हूँ ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों ने आज मुझे काव्य पाठ के लिए एक मंच दिया है और मुझे आवाज़ आ रही है कृपया एक बार बता देंगे आप मुझे हाँ धन्यवाद प्रदीप कौंडल जी भाषा संस्कृति और गीत संगीत को जो संजोए रख रहे हैं आशी हिमाचली का जो पेज है इसका मैं बहुत तय दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रदीप कौंडल और प्रमोद कुमार हर्ष जी विक्रम कौशल जी और सुदेश दीक्षित जी जो इस पेज को चला रहे हैं जो हिमाचल को एक करने के लिए और हिमाचली संस्कृति को जोड़ने के लिए जो दिन रात प्रयास कर रहे हैं इनका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो दिन रात ये पूरे किन्नौर के लोगों को गीत संगीत के द्वारा काव्य के द्वारा जोड़ जोड़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं अनुमति चाहता हूँ आगे आ, मैं काव्य पाठ शुरू करूँ तो इससे पहले कि मैं अपनी रचनाएँ शुरू करूँ मैं आसे हिमाचली के लिए चंद लाइन सुनाना चाहता हूँ हाँ आसे हिमाचली लोग हैं हम हाँ आसे हिमाचली लोग हैं हाँ आसे सच्चे और भोले भाले लोग हैं हाँ आसे हिमाचली लोग हैं हाँ ऐसे सच्चे और भोले भाले लोग हैं भाषा अलग है बोली अलग है रहन सहन और पहनावा अलग है हाँ आसे हिमाचली लोग हैं हाँ ऐसे हिमाचली लोग हैं कुल्लू मंडी किन्नौर चंबा और पांगी भरमौर कुल्लू मंडी किन्नौर चंबा और पांगी भरमौर सोलन शिमला कांगड़ा गिद्धा नाटी और भांगड़ा हाँ आसे हिमाचली लोग हैं आसी हिमाचली लोग हैं तो ये हिमाचली पेज के लिए चंद लाइन थी मैं राम भगत की किन्नौर से कवि कहलाता हूँ लेकिन कभी मैं हूँ नहीं कभी की परिभाषा सीख रहा हूँ आप लोगों से जुड़कर मैं छोटी मोटी कविताएं सीख रहा हूँ तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा मैं मुझसे कुछ त्रुटियां हो गलतियां हो तो मुझे माफ कर देना आज हिमाचली लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ पहले भी मुझे प्रमोद हर्ष जी ने मुझे किन्नौर के बारे में रूबरू कराने के लिए बताया था मैं उपस्थित हुआ था उसमें मैंने सिर्फ सिर्फ किन्नौर की रचना एक थी वो प्रस्तुत की आज मैं आपके समक्ष बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां प्रेम हो गया शिक्षा हो गए स्वास्थ्य हो गए इन सब को लेकर मैं अपने काव्य के पाठ के द्वारा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत रहूँगा आदरणीय घनश्याम शर्मा जी नमस्कार प्रदीप कौंडल जी नमस्कार वीणा वानी वर्मा जी नमस्कार मैं आगे की लाइन आपको सुनाने से पहले एक शेर आगाज़ करता हूँ ए ज़िंदगी थोड़ा आहिस्ता चल ए ज़िंदगी थोड़ा आहिस्ता चल कर जाएगा सफ़र थोड़ा आहिस्ता चल एक अंधी दौड़ है यहाँ एक अंधी दौड़ है यहाँ किसको ख़बर कौन किस राह पर खड़ा है ए जिंदगी थोड़ा आहिस्ता चल ए ज़िंदगी थोड़ा आहिस्ता चल हम आधुनिक युग में गए हैं और डिजिटल युग में पहुंचे हुए हैं सारे कर रहे हैं आधुनिक युग में जाने के बावजूद भी क्या हम लोग आज़ाद हैं इन्हीं विषयों को लेकर मैं कविता आपके समक्ष रख रहा हूं आदरणीय विक्रम जी आशीर्वाद दीजिएगा मेरे चाचा जी दिल्ली में हैं वो भी सुन रहे हैं मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूँ तो मेरा पहली कविता है पहली रचना है ये मेरी पुस्तक मेरी वाणी जो मेरी अपनी लिखी हुई उसके माध्यम उसकी रचना है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ शीर्षक है गुलाम देश आज ये क्या हो रहा है किसको मालूम नहीं किसी को मालूम नहीं आज ये क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जनसंख्या में भी प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है भ्रष्टाचार और लूट मार है यहाँ बलात्कार और हत्या है यहाँ नशे में सब भाई चूर हो रहे हैं सत्य पर चलने वाले ही आज झूठ का सहारा ले रहे हैं आज ये क्या हो रहा है हाँ आज ये क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जनसंख्या में भी प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है भ्रष्टाचार और लूटमार है यहाँ बलात्कार और हत्या है यहाँ नशे में सभी भाई चूर हो रहे हैं सत्य पर चलने वाले ही आज झूठ का सहारा ले रहे हैं देश की संस्कृति बिगड़ती जा रही है हां देश की संस्कृति बिगड़ती जा रही है देश में आज नंगा नाच हो रहा है आप देखते होंगे देश भक्तों की खून से हुआ ये आजाद देश भ्रष्टाचार बेरोजगारी लूटमार की जंजीरों से गुलाम हुआ है देश की संस्कृति बिगड़ती जा रही है देश में आज नंगा नाच हो रहा है देशभक्तों की खून से हुआ ये आज़ाद देश बेरोजगारी भ्रष्टाचार लूटमार की जंजीरों से गुलाम हुआ है कानून की व्यवस्था को चलाने वाले हाँ कानून की व्यवस्था को चलाने वाले आज कानून के विक्रेता है अपने और अपने कुर्सी के बचाने वाले अपने और अपनों की कुर्सी बचाने वाले वे आज के नेता हैं आज ये क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है किसी को मालूम नहीं हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बेरोजगारी और ये जो लूटमार हत्या जैसी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है जितनी भी सरकारें आई इस पर कोई भी कदम नहीं उठा उठा उठ रहा है लेकिन हम साहित्य के जुड़े हुए लोग हम अपने दर्द को बड़ा कर सकते हैं लेकिन इस पर कोई अमल होने वाला नहीं है ये मेरी पहली रचना थी आशीर्वाद चाहता हूँ आप लोगों का सोनू मंडल जी अवस्थी जी प्रणाम मेरे चाचा जी नमस्कार हाँ जैसे जैसे देश में विकास होता है पर्यावरण पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता है और हम विकास की ओर जाते हैं पर्यावरण की ओर ध्यान देते नहीं हैं तो मैं छोटी सी रचना आपके समक्ष लेकर आ, ले आ रहा हूँ अच्छा लगे तो आप उस पर कमेंट दीजिएगा प्रतिक्रिया कीजिएगा क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है पर्यावरण से हमारा प्रकृति खुशहाल और सुंदरता बनी रहती है आइए विकास ने रोका है ये मेरा शीर्षक है बढ़ते विकास ने पर्यावरण की गति बढ़ते विकास ने रोका है पर्यावरण की गति हाँ बढ़ते विकास ने रोका है पर्यावरण की गति जगह जगह सड़क भवन निर्माण ने पहुंचाया है पेड़ पौधों की क्षति बड़े बड़े उद्योग भी कसूरवार है पर्यावरण पर सुप, चुप सभी सरकार है बढ़ते विकास ने रोका है पर्यावरण की गति जगह जगह सड़क भवन निर्माण ने पहुंचाया है पेड़ पौधों को क्षति बड़े बड़े उद्योग भी कसूरवार है पर्यावरण पर चुप सभी सरकार है आज गांव शहर के जनता को सोचना होगा आज गांव शहर के जनता को सोचना होगा पर्यावरण पर मिलकर सबको कमर कसना होगा सड़कों में चिल्लाकर कुछ नहीं होगा हम देखते होंगे छोटी छोटी चो, चो, मुद्दों पर हम सड़कों में उतर आते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है सड़कों में चिल्लाकर कुछ नहीं होगा विकास के साथ जंगलों को सुरक्षित करना होगा बढ़ती आबादी घटती जंगल कौन कसूरवार है बोल भाई मंगल बढ़ती आबादी घटती जंगल कौन कसूर वाला है बोल भाई मंगल जंगल से जीवन है पेड़ पौधे हमारी सांसे हैं जंगल से जीवन है पेड़ पौधे हमारे सांसे हैं जंगल लगवाओ देवदार हो या बासे? हाँ, जंगल लगवाओ देवदार हो या बासे मंदिर मस्जिद के चक्कर कम करो मंदिर मस्जिद के चक्कर कम करो जंगल की ओर सब रुख करो ना मंदिर देगा ना मस्जिद देगा पेड़ पौधे हम लगाएं तो ये जीवन दान देगा बढ़ते विकास ने रोका है पर्यावरण की गति हाँ बढ़ते विकास ने रोका है पर्यावरण की गति बड़े बड़े उद्योग भी इसके कसूरवार हैं जगह जगह सड़क भवन निर्माण ने पहुंचाया है पेड़ पौधे पर क्षति बढ़ते विकास ने रोका है पर्यावरण पर गति ये था पर्यावरण पर हमारे उत्तम जी जुड़े हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ आशीर्वाद चाहता हूँ वो मुझे ऐसे ही प्रेरणा देते रहे आदरणीय प्रदीप कौंडल जी मैं भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझे आज इस पेड़ से जोड़ा है हम बड़े होते हैं बड़े होने में हमें हमारे साथ जो आशीर्वाद होता है वो माँ का होता है जिन्होंने बचपन से हमें पाला होता है जो नौ महीने हमें पालती है और जो हमें आगे आगे हमें बढ़ाती है और हम भूल जाते हैं बड़े होने के बाद कि माँ भी कहीं किसी कोने में है माँ भी कहीं किसी कोने में है तो ये मेरी माँ पर है और रचना है मेरी मैं बड़ा कैसा हुआ माँ मैं बड़ा कैसा हुआ आज बिन तेरे खड़ा मैं कैसा हुआ माँ मैं बड़ा कैसा हुआ आज बिन मैं तेरे खड़ा कैसा हुआ मैं जब छोटा था तुझसे ही खेलता था मैं जब छोटा था तुझसे ही खेलता था तुझसे ही बात करता था और तुझसे ही रूढ़ता था माँ मैं बड़ा कैसा हुआ आज बिन तेरे खड़ा कैसा हुआ तू चुपचाप मेरी बातों को सुनती थी हाँ तू चुपचाप मेरी बातों को सुनती थी पीठ में मुझे सुलाकर मुझे स्वाटर बुनती थी माँ में बड़ा कैसा हुआ आज बिन तेरे खड़ा कैसा हुआ माँ बड़ा कैसा हुआ आज बिन तेरे खड़ा कैसा हुआ रोज़ स्कूल की तैयारी ना जाऊँ तो तू तो सुनाती थी लोरी प्यारी घर में कितनी मुश्किलें होती फिर भी मेरी किस्मत तूने ही सवारी आँखों में मैंने उन आंसुओं को देखे हैं हाँ आँखों में मैंने उन आँसों को देखे है जब गरीब की ज़िंदगी में भी अमीरों जैसी सुकून दिया जब गरीब की ज़िंदगी में भी अमीरों जैसा सुकून दिया माँ में बड़ा कैसा हुआ आज बिन तेरे खड़ा कैसा हुआ तू तो चुपचाप आज भी शौरत के मंजिल पाकर हाँ तू तो है चुपचाप आज भी शौरत के मंजिल पाकर तेरी शालीनता आज भी मेरे दिल को सुकून देते हैं तेरी शालीनता आज भी मेरे दिल को सुकून देते हैं मैं खड़ा हूँ आज तेरी दुआओं से माँ मैं खड़ा हूँ आज तेरी दुआओं से माँ मुझको ममता का आशीर्वाद हर पल देना मैं ताउमर तेरी दीदार का विलासी हूँ मैं ताउमर तेरी दीदार का विलासी हूँ तेरा प्यार आज भी मेरा जिंदगी का अनमोल रतन है तेरा प्यार आज भी मेरे जिंदगी का अनमोल रतन है माँ में बड़ा कैसा हुआ आज बिन तेरा खड़ा कैसा हुआ माँ को नमन हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं अपने फैमिली के साथ जुड़ते जाते हैं और समाज में इस प्रकार से बंध जाते हैं कि अपने परिवार से दूर होते रहते अपने माँ बाप से दूर होते होते रहते हैं ये हमारी मजबूरियाँ होती है या हम कहीं कमाने जाते या फिर हमारे रोजगार बेरोजगारी के चक्कर में हम सब खुद भूल जाते हैं लेकिन फिर भी साहित्यकार कभी भूलता नहीं अपने रिश्ते नाते सबको संजोए रखता है भले उसके पास कोई टाइम नहीं होगा लेकिन वो सबको एक नज़र से देखता है इसलिए सभी साहित्यकारों को मैं नमन करता हूँ जो दिन रात देश में सबको जागृत करते हैं चाहे वो कोरोना हो चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो चाहे किसी भी प्रकार का फील्ड हो हमारे साहित्यकार अभी लॉकडाउन के दौरान सबको जागृत कर रहे हैं सबको प्रेरणा दे रहे सबको शिक्षा दे रहे हैं और मैं उनसे सीख रहा हूँ आप लोगों से सीख रहा हूँ आशीर्वाद बना रहे नमन ये मेरी रचना दूसरी थीम चार लाइन आपको सुनाता हूँ क्या लिखूँ अपनी जिंदगी के बारे में दोस्तों क्या लिखूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई रंग नहीं भरता मेरे दोस्तों वो लोग ही बिछुड़ गए जो कभी जिंदगी में हुआ करते थे हाँ ये सत्य है जो लोग आ, हम हमसे मिलते रहते हैं परिवर्तन के साथ साथ बदलते रहते हैं आइए देश में आप देखते होंगे राजनीति का एक माहौल होता है और राजनीति गर्मागर्म माहौल बनाता है राजनीति एक ऐसा चीज़ है जो भाई भाई से लड़वाता है जो रिश्तों से दूर करवाता है जो समाज से दूर करवाता है लेकिन साहित्यकार है साहित्यकार तो शब्दों के द्वारा उनमें फिर भी मिठास लाएगा जोड़ने की कोशिश करेगा मैं छोटी सी रचना आपके समक्ष लेकर आया हूँ नेताओं के डोरे नेता किसी भी दल का क्यों ना हो धोती कुर्ता और टोपी पहना हो नेता किसी भी दल का क्यों ना हो धोती कुर्ता और टोपी पहनाओ लगाते ये सभी पर डोरे और भाषण देते बिल्कुल कोरे कोरे और भाषण देते ये बिल्कुल कोरे कोरे बच्चों जैसे हरकत होते इनके हाँ देखेगा बच्चों जैसे हरकत होते इनके हाथ जोड़े इधर उधर भटके हाथ जोड़े इधर उधर भटके कभी किसी पार्टी को मारे गाली कभी किसी पार्टी को मारे गाली कभी किसी पार्टी को थाले चाटे थाली नेताओं की हरकत है जी कभी किसी पार्टी को मारे गाली कभी किसी पार्टी को चाटे थाली जनता भी इनके भाषण पर जोर जोर जो से मारे ताली देखते होंगे आप जनता भी इनके भाषण पर जोर जोर से मारे ताली जैसे तैसे इन्होंने सरकार बना ली हाँ जैसे तैसे इन्होंने सरकार बना ली कर दिया इन्होंने देश का खजाना खाली कर दिया इन्होंने देश का खजाना खाली कोई माले बना कोई अंबानी बना कोई माले बना कोई अंबानी बना किसी बहाने फिर इन्होंने टैक्स बढ़ा ली हाँ किसी बहाने फिर इन्होंने टैक्स बढ़ा ली कहते ये सब अब सस्ता होगा राशन कहते ये सब अब सस्ता होगा ये राशन घर घर में होगा योगासन कहते ये सब अब सस्ता होगा राशन घर घर में होगा योगासन अब कहीं कोई बेरोजगार ना होगा हाँ अब कहीं कोई बेरोजगार ना होगा घर घर में ट्रैक्टर और कार होगा नए सड़कें और नए स्कूलें बनेंगे नए सड़कें और नए स्कूलें बनेंगे घर घर में नए सड़कें और स्कूलें बनेंगे नए कानून और नए असूलें बनेंगे हिंसा और लूट मारना होगा हिंसा और लूट मारना होगा अत्याचार ना अत्याचार ना आप कोई बलात्कार होगा पड़ोसी देशों से फिर से होगी दोस्ती पड़ोसी देशों से फिर से होगी दोस्ती बैट और बॉल की फिर से होगी कुश्ती बैट और बॉल की फिर से होगी कुश्ती हम भोले वाले जनता के डोरे में आते हाँ हम भोले भाले जनता इन्हीं की डोरे में आते भाई भाई दोस्त को ये लड़वाते भाई भाई दोस्त को ये लड़वाते जहाँ होता था कभी राम राज्य जहाँ होता था कभी राम राज्य वहाँ होता अब नेता राज्य जहाँ होता था कभी राम राज्य वहाँ होता अब नेता राज्य कितने नेताओं ने अब तक हमारे वोट है लूटे हाँ कितने नेताओं ने अब तक हमारे है वोट लेटे नेता बनते ही भोले भाले जनता को नेता बनते ही भोली वाली जनता फिर से मारे इन्हें से लूटे कितने नेताओं ने अब तक हमारे वोट है लूटे नेता बनते ही भोली जनता फिर से मारे इन्हें से लूटे ये नेताओं के डोरे हमारे देश के नेताओं के डोरे नेता किसी भी दल का क्यों ना हो धोती कुर्ता और टोपी पहना हो लगाते ये सभी पर अपना डोरे और भाषण देते बिल्कुल कोरे कोरे बच्चों जैसे हरकत इनके कभी हाथ जोड़े तब इधर उधर बटके आप देखते होंगे देश में राजनीतिक माहौल कैसा होता है ये सारे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं लेकिन कोई हमारे लिए करने वाला कोई नहीं ये ये साहित्य के द्वारा ही जागृति हम ला सकते हैं और ला रहे हैं और आशीर्वाद आप लोगों का जो मैं मे, मेरे मुझे आज सुन रहे हैं और आदरणीय विक्रम जी धन्यवाद आश्य हिमाचली <coughs> का जो उद्देश्य है भाषा संस्कृति के द्वारा हिमाचल को एक करना इसमें जो सहयोग कर रहे हैं आदरण्य प्रदीप कौंडल जी आदरणीय प्रमोद हर्ष जी और आदरणीय विक्रम कौशल जी और आदरणीय सुदेश दीक्षित जी इनका मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे किन्नौर से लाइव प्रोग्राम के लिए जोड़ा और आशीर्वाद हर वक्त इनका बना रहता है मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ और जो इनका ये जो मुकाम है ये अपने पेज के द्वारा लोगों को लोगों को अपने संगीत के द्वारा संस्कृति के द्वारा गीत के द्वारा संजोय कर एक रखना तो इसके लिए बहुत बहुत श्रेय जाता है इन सब पर बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गांव हर कोई हर हर किसी के दिल में रहता है अगर गांव में विकास हो रहा हो अभी मैंने काफ़ी सालों से देखा कि हमारे ग्राम में एक अच्छे पंचायती राज में अच्छे लोगों के आने से हमारे गांव में विकास हो रहा है तो मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने उसको अपने शब्दों में इजहार किया अच्छा लगे तो आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा मेरा गाँव अब बदल रहा है हाँ, मेरा गाँव अब बदल रहा है विकास की राह पर चल रहा है सड़क रास्ते पक्के हो रहे हैं कूल नालियाँ बन रहे हैं मेरा गांव बदल रहा है विकास की राह पर चल रहा है सड़कें रास्ते पक्के हो रहे हैं कून नलियाँ नालियाँ बन रहे हैं स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य पर देते सभी ध्यान अब स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान सभी देते अब पक्ष विपक्ष के पंच प्रधान भी मिलकर करते काम अब मेल मिलाप भाईचारा देख रहा हूँ अब मेल मिलाप भाईचारा देख रहा हूँ अब माटी की भीनी सुगंध महसूस कर रहा हूँ अब माटी की भीनी सुगंध महसूस कर रहा हूँ अब खेत कल्याण सब खिल रहे हैं अब खेत कल्याण सब खिल रहे हैं अब सोलर लाइटों से रास्ते जगमगा रहे हैं अब मेरा गांव बदल रहा है अब विकास के राह पर चल रहा है अब अभी कमियां बाकी हैं हाँ अभी कमियां बाकी हैं पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत बाकी है हाँ, अभी कमियां बाकी है पढ़े लिखे बेरोजगार बाकी है शिक्षा के साथ पुरानी पुरानी कुतियाँ बाकी है जात पात की बनिया बनी बस्तियाँ बाकी हैं हाँ अभी कमियाँ बाकी हैं पढ़े लिखे रोज बेरोजगार बाकी है शिक्षा के साथ पुरानी कुरीतियाँ बाकी है जात पात की बनी बस्तियाँ बाकी हैं ऊँच नीच पर अभी सख्तियाँ बाकी हैं हाँ ऊँच नीच पर अभी सख्तियाँ बाकी है प्रेम मिलन में शक्तियाँ बाकी है देव प्रथा पर जोर जबस्ती बाकी है हाँ देव प्रथा पर जोर जबरस्ती बाकी है मेरे गांव में अभी पौराणिक लिपा पोती बाकी है देव प्रथा पर जोर जबरदस्ती बाकी है मेरे गांव में पौराणिक लिपा पोती अभी बाकी है हमेरा गांव बदल रहा है विकास की राह पर चल रहा है सड़कें रास्ते पक्के हो रहे हैं कूल नालियाँ बन रहे हैं मेरा गांव बदल रहा है आशी हिमाचली पेज का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विक्रम जी आपका आशीर्वाद बना रहे शशि पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद आपका बना रहे लाइन आपको शब्दों के माध्यम से लहरें आती है किनारे से पलट जाती है हाँ लहरें आती है किनारे से पलट जाती है याद आती है दिल में समा जाती है याद आती है दिल में समा जाती है लहर और याद में फर्क इतना है हाँ लहर और याद में फ़र्क इतना है लहर बे वक्त आती है और याद हर वक्त आती है और याद हर वक्त याद आती है चाहे रिश्ते नाते का याद हो चाहे दोस्त को दोस्तों का याद हो आजकल लॉकडाउन है हम किसी से मिल नहीं रहे हैं किसी से जुल नहीं रहे हैं पार्टियां सब ख़त्म हैं तो लहरें आती है बेवकत आती है याद कभी भी आती है ये मेरी चार लाइन थी आप देखते होंगे इंसान जब तालियां बजाता है तो दो प्रकार की तालियां बजाता है और ये रचना है मेरी दो प्रकार की तालियां अच्छा लगे तो आप प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा दो प्रकार की तालियां बजती है एक मच्छरों के लिए और एक नेताओं के लिए समझ गए होंगे आप जब नेते जब नेताओं का आगमन होता है तो तालियां हमारी बजती है दो प्रकार की तालियां बजती है एक मच्छरों के लिए और एक नेताओं के लिए दोनों खून चूसते हैं हाँ दोनों खून चूसते हैं और इंसान को बेबस कर देते हैं एक बरसात में खून ज़्यादा चूसता है हाँ एक बरसात में खून ज़्यादा चूसता है और दूसरा पाँच साल तक जब तक शासन है एक बरसात में खून ज़्यादा चूसता है और दूसरा पाँच साल तक जब तक शासन है दोनों को बहुत मज़ा आता है दोनों को बहुत मज़ा आता है मजबूर और बेबस लोगों को सताने में दोनों को बहुत मज़ा आता है मजबूर और बेबस लोगों को सताने में फ़र्क इतना है दोनों में हाँ फ़र्क इतना है दोनों में एक गंदगी में पलता है और दूसरा आलिशान महलों में पलता है फ़र्क इतना है दोनों में एक गंदगी में पलता है दूसरा आलिशान महलों में पलता है तालियां दोनों के लिए बजानी पड़ती है हम भी हम भी क्या करें हम भी तो लाचार हैं तालियां बजानी पड़ती है एक नेता के लिए एक मच्छर के लिए दोनों खूब सताते हैं आप देखते होंगे कि तालियां बजाना पड़ती है जब भी नेता आते हैं आशीर्वाद बना रहे हाँ दुनिया में ऐसा ऐसा नहीं है कि जब इंसान को प्यार ना हो और प्यार जब होता है तो इंसान कुछ यादें रखता है और कुछ भूल जाता है चार लाइन के द्वारा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मोहब्बत मोहब्बत के, के चर्चे बहुत है, है यारो हुसन के पर्चे बहुत है यारो मोहब्बत के चर्चे बहुत है यारो हुसन के पर्चे बहुत है यारो मोहब्बत करने से पहले सोच ले मोहब्बत करने से पहले सोच लेना क्योंकि इसमें खर्चे बहुत है यारो जरा ध्यान दीजिएगा आदरणीय प्रदीप गोंडल जी आशीर्वाद आपका रचना है मेरी कुछ याद भी है उसे कुछ नहीं भी ये प्रेमिका और प्रेमी के बीच के संबंध का एक बीच का रिहर्सल है अगर अच्छा लगे तो आप जरूर दीजिएगा वो मुलाकात वो ढेर सारी बात कुछ याद भी है उसे कुछ नहीं वो मुलाकात वो ढेर सारी बात कुछ याद भी है उसे कुछ नहीं कसमें वादे मिलकर जो किए कुछ याद भी है उसे कुछ नहीं पल सब भूल गए पल दो पल में वो सब भूल गए नई कल्पना में वो अब खो गए वो मिलना वो बिछुड़ना कभी रूठना कभी मनाना वो मिलना वो बिछुड़ना कभी रूठना कभी मनाना फिर लौट कर जीवन में आना सारे जमाने को छोड़कर कर रस्म बंधन को तोड़ कर, लौट आती थी कभी कुछ याद भी है उसे कुछ नहीं भी रूटना, कभी रूठना मनाना फिर लौट कर जीवन में आना सारे जमाने को छोड़कर रस्म रस्में बंधन को तोड़कर लौट आती थी उसे कुछ नहीं भी सुख दुख का साथी मानकर हर लम्हों में हमराई मानकर सुख दुख का साथी मानकर हर लम्हों में हम राय मान कर लौट आती थी कभी गिरते संभलते कुछ याद भी है उसे कुछ नहीं भी बहुत देखे उसके नजरें बहुत देखे उसके नजरें चुराया नहीं बहुत देखे उसके नजरें कभी चुराया नहीं कभी नजरों से नजरें उसने मिलाया नहीं अब बेखबर बेपरवाह दिखती है वो अब बेखबर बेपरवाह दिखती खुद को खुद में ही खो जाती है वो वो मुलाकात वो ढेर सारी बात कुछ याद भी है उसे कुछ नहीं भी वो कुछ याद भी है कुछ नहीं भी ये एक प्रेमिका और प्रेमी के बीच का एक संबंध का एक विषय था कोरोना काल में साहित्य का जितना योगदान रहा है मैं सभी साहित्यकार को तय दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने साहित्य के द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए और ओ, किस प्रकार से ढलना है साहित्य के द्वारा सबको बताया है तो मैं कोरोना के ऊपर नहीं कहूँगा क्योंकि कोरोना के ऊपर सभी साहित्यकारों ने अब अप अपने सुझाव दिए हैं अब अप अपनी रचनाएं सुनाई हैं हाँ मैं कोरोना से संबंधित एक रचना सुनाने जा रहा हूँ कि अगर हमारे रिश्तों में कोरोना की दरार प्रस्तुति दरार जैसे लक्षण दिखने लगे अगर रिश्तों में कोरोना जैसी कड़वापट कड़वापन धोखा फरेब जैसे लक्षण दिखने लगे तो आपको संभलना चाहिए आपको उन रिश्तों से दूर होना चाहिए आपको अपने आप लॉकडाउन होना चाहिए आपको उन रिश्तों से ही आपको क्वारंटाइन होना चाहिए ये शब्दों के माध्यम से मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ रिश्तों को बचाएँ हाँ अगर कोरोना जैसे लक्षण आप उनमें दिखाई दिए रिश्ता चाहे प्रेम को हो या मित्रता के हाँ रिश्ता चाहे प्रेम के हो या मित्रता के अपनेपन को हो या विश्वास के अपनापन का हो या विश्वास का अगर संबंधों में कोरोना का लक्षण दिखे हाँ अगर संबंधों में कोरोना का लक्षण दिखे तो उसे समझे और जल्द दूरियां बनाए रिश्ता चाहे प्रेम का हो या मित्रता का अपनेपन का हो या विश्वास का अगर संबंधों में कोरोना जैसे लक्षण दिखे तो उसे समझें और जल्दी दूरियां बनाएं। अब लक्षण कैसे हो सकते हैं ध्यान दीजिएगा बेपरवाही जब वो करने लगे हाँ बेपरवाही जब वो करने लगे प्रेम में विरुद्ध जब वो करने लगे शंका जैसे जब वो शंका से जब वो घिरने लगे अशिष्टता जैसे बातें अब उसमें दिखने लगे आक्रामक आक्रामकता अब उसमें दिखने लगे प्यार में उपेशा अब वो कम दिखाने लगे अहंकार में वो अब उठने लगे अभिमान से वो अब घिरने लगे लक्षण देखिए जा बेपरवाह जब वो करने लगे प्रेम में वो विरोध जब वो करने लगे शंका जब वो शंका से जब वो घिरने लगे अशिष्टता जैसे बात उसमें अब दिखने लगे आक्रामकता उसमें अब आने लगे प्यार में उपेक्षा अब वो कम दिखाने लगे अहंकार से वो अब उठने लगे अभिमान से वो अब घिरने लगे ऐसे लक्षण रिश्तों में जब दिखे हाँ ऐसे लक्षण रिश्तों में जब दिखे तो फिर से फिर ऐसे संबंधों से तुरंत सुधार करें तुरंत सावधान रहें हाँ ऐसे लक्षण रिश्तों में जब दिखें तो फिर ए, फिर तुरंत सुधार करें तुरंत सावधान रहें और उन्हें अपनी राह में जाने दो और उन्हें अपनी राह में जाने दो अपने आत्म सम्मान के लिए उन्हें छोड़ दो परस्पर संवाद पर बंद करो सदा के लिए उनसे दूर रहो उन्हें अपने राह पर छोड़ दो अपनी उम्मीदों को मारो उन्हें छोड़ दो दिल से सोचना बंद करो दिल से उन्हें निकाल दो अपनी उम्मीदों को मारो उन्हें छोड़ दो दिल से सोचना बंद करो दिल से उन्हें निकाल दो अपनी आंखें खोलो और उसे जगा दो हाँ अपनी आंखें खोलो और उसे जगा दो अच्छे समय का इंतजार करो वक्त से संभल जाओ फिर कभी उन पर भरोसा मत करो हाँ फिर कभी उन पर भरोसा मत करो फिर कभी उन पर एतबार ना करो फिर कभी उनसे रिश्ता मत जोड़ो ऐसे कोरोनाग्रस्त संबंधों से दूरियां ही दूरियां ही नहीं बल्कि गंभीर होना ज़रूरी है ऐसे कोरोनाग्रस्त संबंधों से दूरियां ही नहीं बल्कि गंभीर होना जरूरी है, है। इसलिए अपने मन को आइसोलेट करें संबंधों को क्वारंटाइन करें और ऐसे रिश्तों को हमेशा के लिए लॉकडाउन करें ताकि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाए रिश्ते मित्रता के हो या प्यार के जीवन भर निभाएं जीवन भर साथ दें उसे कोरोना होने ना दें जीवन रिश्तों जीवन भर रिश्तों में प्यार लाए मिठास लाए और कोरोना जैसे लक्षण उसमें ना लाए ये मेरे रिश्तों को बनाए रखने के प्रथा चालाइन सुनाता हूँ प्यार एक झटके में हो जाता है हाँ आप देखते होंगे प्यार एक झटके में होता है पर उसे पूरा करने के लिए बहुत सारे झटके लगाने पड़ते हैं प्यार एक झटके में होता है पर उसे कर पूरा करने के लिए बहुत सारे झटके जीवन भर लगाने होते हैं तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है रविंद्र कुमार शर्मा जी प्रदीप कौंडल जी विक्रम सिंह जी आशीर्वाद बना रहे हैं और प्रतिक्रिया देते रहें हमारी ज़िंदगी पन्नों में सिमटी हुई है और जब हम साहित्य से जुड़े तो हम शब्द कलम स्याही और पन्नों और किताब के द्वारा के के ही हमारे बीच में ख्यालात आएंगे तो चार कुछ लाइन है चार पन्नों में चार पन्नों में सिमट गए अब सारी यादें हाँ चार पन्नों में सिमट गई अब सारी यादें चार पन्नों में लिपट गई अब सारी फरियादें अब तक दिखते थी उसकी तस्वीर हाँ अब तक दिखते थे उसकी तस्वीर अब तक तो मिलती थी उसकी तदवीर चार पन्नों में खो गई उसकी खींची लकीर चार पन्नों में खो खो गई उसकी खींची लकीर चार पन्नों में खो गई उसकी तस्वीर कल तक जो दुआएं देते थे हाँ कल तक जो दुआएं देते थे कल तक जो कस्में खाते थे कल तक जो बिना बात किए रहते नहीं थे कल तक जो साथ साथ चलते थे आज चार पन्नों में महरूम हो गए कल तक जो दुआएं देते थे कल तक जो कस्में खाते थे कल तक जो बिना बात किए रहते नहीं थे कल तक जो साथ, साथ चलते थे आज चार पन्नों में महरूम हो गए आज चार पन्नों में मजरूम हो गए मजबूर हो गए कभी रहते नहीं थे याद के बिना हाँ कभी रहते नहीं थे याद किए बिना कभी सोते नहीं थे फरियाद के बिना कभी उठते नहीं थे मुलाकात किए बिना कभी जाते नहीं थे कहीं पूछे बिना कभी रहते नहीं थे याद के बिना कभी सोते नहीं थे फरियाद के बिना कभी उठते नहीं थे मुलाकात के बिना कभी जाते नहीं थे कहीं पूछे बिना आज चार पन्नों में जिंदगी उसने सजा ली आज चार पन्नों में जिंदगी उसने सजा ली आज चार पन्नों में उसने हमसे विदा ली आज रहते वो आसमान आसमानों की उड़ानों में हाँ आज रहते वो आसमानों की उड़ानों में आज रहते वो आसीन फिजाओं में आज रहते वो आसमानों की उड़ानों में आज रहते वो आसीन फिजाओं में आज दिखते नहीं किसी प्रहर में हाँ आज दिखते नहीं किसी प्रहर में आज मिलते नहीं सुबह और शाम दोपहर में आज दिखते नहीं किसी प्रहर में आज मिलते नहीं सुबह और शाम और दोपहर में आज चार पन्नों को हम जोड़ते गए आज चार पन्नों को हम जोड़ते गए आज चार पन्नों के किताब बन गए हाँ चार पन्नों के किताब बन गए अब यादें भी पन्नों में सिमट गए अब यादें भी पन्नों में सिमट गए अब यादें भी पन्नों से लिपट गए अब यादें भी पन्नों में सिमट गए अब यादें भी पन्नों से लिपट गए अब इंतजार एतबार भरोसा सब खत्म हो गए अब इंतजार एतबार भरोसा सब खत्म हो गए अब प्यार व्यार सब भसम हो गए चार पन्नों में राम भगत छप गया चार पन्नों में राम भगत तप गया अब यादें भी पन्नों में सिमट गए अब यादों में पन्नों में लिपट गई तो ये जिंदगी के एक आह, एक लम्हे होते हैं हर इंसान की यादें आ, आ, पन्नों के द्वारा सिमट जाते हैं साहित्यकार उसे शब्दों में लिखता है उसे कलम के द्वारा आगे आ, आगे प्रस्तुत करता है आप लोगों का आशीर्वाद बना आशे हिमाचली जो पेज है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मेरे जो इसमें क्या मेरे जो मित्र है प्रमोद हर्ष जी उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ वो मुझे हर वक्त प्रतिक्रिया करते रहते जिनकी जो एक बहुत ही बहुत बेहतरीन शब्दों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और प्रदीप कौंडल जी जो शांत स्वभाव के हैं उनका मैं बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस मंच में पुकारा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और अब आप, आप देखते होंगे ज़िंदगी में आ, जब रिश्ते बनते हैं तो बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं दोस्त हो चाहे जो भी रिश्ते हो वो कहते हैं कि हम आपके साथ ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं पर ऐसा होता नहीं है परिवर्तन आता है एक ना एक दिन दूरियां बन जाती है छोटी सी रचना है बहुत दिखे दुनिया में बहुत दिखे दुनिया में बहुत मिले दुनिया में प्यार में अपना बताने वाले प्यार में हक जताने वाले जीवन बिलासपुरी जी धन्यवाद बहुत दिनों से मैं आपको मिस कर रहा था बहुत कम आप दिखते हो हम एक बार दिल्ली में मिले थे और आज मैं आपको यहाँ पर रूबरू कर रहा हूँ आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और ठाकुर केसी जी और रुद्रा शर्मा जी आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ और मुझे प्रतिक्रिया देते रहे और किन्नौर से जुड़िए मैं आपको अंतिम रचना हमारी किन्नौर की भाषा में भी सुनाऊंगा क्योंकि पेज का उद्देश्य ही है कि भाषा संस्कृति को बनाए रखना मैं अगर पूरी रचना किन्नौर के भाषा में सुनाता तो शायद आपको पता नहीं लगता लेकिन मैं अंतिम रचना छोटी सी रचना हमारे जो यहाँ की भाषा है किन्नौर में वैसे बहुत सारी भाषा है फिर भी मैंने अपनी जो घर की भाषा है जो हमारी मतलब अपनी भाषा है उ, उसमें मैंने कोशिश की है आपको मैं जाते जाते जरूर सुनाऊँगा आशीर्वाद जरूर दीजिएगा बहुत दिखे दुनिया में हाँ बहुत दिखे दुनिया में बहुत मिले दुनिया में प्यार में अपना बताने वाले प्यार में हक़ जताने वाले बहुत दिखे दुनिया में बहुत मिले दुनिया में प्यार में अपना बताने वाले प्यार में हक़ जताने वाले वक्त आने पर दूर होते गए हाँ वक्त आने पर दूर होते गए वक्त आने पर मजबूर होते गए प्यार व्यार अब उनको दिखता नहीं वक्त आने पर दूर होते गए वक्त आने पर मजबूर होते गए प्यार व्यार अब उनको दिखता नहीं प्यार व्यार अब कहीं बिकता नहीं बहुत देखे दुनिया में हाँ बहुत देखे दुनिया में बहुत मिले दुनिया में प्यार व्यार दिखाने वाले प्यार व्यार बताने वाले वक्त आने पर ऐसे छुप गए हाँ वक्त आने पर ऐसे छुप गए वक्त आने पर ऐसे दुपक गए जैसे हीरे जवाहरात के खजाने लगे हो वक्त आने पर ऐसे छुप गए वक्त आने पर ऐसे दुपक गए दुपक गए जैसे हीरे जवाहरत के खजाने लगे हो जैसे उन्हें अमीर अमीर और सलमान खान मिल गए हो बहुत दिखे दुनिया में बहुत दिखे दुनिया में बहुत मिले दुनिया में पर दिल में कोई बसा नहीं बहुत दिखे दुनिया में बहुत मिले दुनिया में पर दिल में कोई बसा नहीं जो बसा वो हमें समझा नहीं जो बसा वो हमें समझा नहीं वक्त आने पर वो निकल गए हाँ वक्त आने पर वो निकल गए वक्त आने पर वो भी फिसल गए वक्त आने पर वो निकल गए वक्त, वक्त आने पर वो भी फिसल गए आज वो अपने सपनों को बुन रहे हैं हाँ आज वो अपने सपनों को बुन रहे हैं आज वो अपने अपनों को सुन रहे हैं आज वो अपने अपनों का सुन रहे हैं बहुत दिखे दुनिया में बहुत मिले दुनिया में पर दिल में कोई बसा नहीं जो बसा वो समझा नहीं धन्यवाद आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ और आज हिमाचली पेज के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ मैं अपनी जीवनी बताता हूं मैं कभी नहीं हूं राम भगत मेरा नाम आ, राम भगत नेगी किन्नौर से दसवीं मेरी आ, शिक्षा रही है हाँ 2010 में जब पहली बार फेसबुक बना रहा था आईडी तो दोस्तों ने मुझे मेरे नाम के आगे कवि लगाया था और आज मैं सार्थक बन गया कवि लगाने से शायद मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला और मुझसे लोग जुड़ते गए मेरी गलतियों को बताते गए और आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होकर रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं ये मेरा सौभाग्य है और मैं उन दोस्तों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे हर वक्त प्रोत्साहन करते रहे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं मेरे साथ बंधे रहते हैं मैं उनका भी मंच के द्वारा नाम लेना चाहता हूँ आदरणीय श्री राकेश जी आदरणीय विनोद जी मेरे सनातन धर्म सभा में जो रामिला मंचन है भावानगर में वो जितने भी हैं जो मुझे हर वक्त गाइड करते रहते हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद हूँ जो हमारी मैडम जी श्रीमती जी राजकुमारी जी जो हर वक्त मुझे झेलते रहते हैं उनके आशीर्वाद से उनके डांट डबक डांट से मैं आज लेखक बनाऊँ वो मुझे हर वक्त झेलती रहती है बारह बारह एक एक दो बजे तक फोन में रहता हूँ तो उनकी प्रतिज्ञा रहती है उनके आशीर्वाद से भी मैं आगे बढ़ाऊँ आप लोगों का आशीर्वाद से भी मैं आगे बढ़ाऊँ धन्यवाद और उन प्रेमियों को भी जो मेरे साथ जुड़े रहे आज तक उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद पर्यावरण पर हमें ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण के बग़ैर ये मंच भी अधूरा है ऐसे हिमाचली लोग जब संस्कृति और साहित्य और भाषा को जोड़ती तो ये पर्यावरण का भी काम करती है मैं सबका धन्यवाद चाहता हूँ और ये मेरी एक अभी दो तो तीन रचनाएँ हो रहा है इसके बाद मैं आप लोगों से विदा लूँगा और हाँ प्रदीप कौंडल जी मैं आपको ज़रूर किनौरी भाषा में रचना ज़रूर सुनाऊँगा वन महोत्सव पर्यावरण को प्रकृति को जब भी हम प्रकृति के बीच में जाए एक महोत्सव की तरह मनाएं और जब भी हम कहीं जाते हैं तो बीज और पौधे जरूर लेकर जाएं तो छोटी सी रचना है एक मैसेज भी है आप पर्यावरण को हरा भरा करें ये आशीर्य हिमाचली जो पेज है इसका मकसद भी है कि प्रकृति को भी संजोए रखना गीत संजो को संजोए रखना और जो हमारे धरोहर है उसको संजोए रखना ये एक मैसेज है और आप लोग का आशीर्वाद चाहता हूँ लगाओ पौधे और बनाओ हरा भरा लगाओ पौधे और बनाओ हरा भरा खिल जाए सबका मन हरा भरा लगाओ पौधे और बनाओ हरा भरा खिल जाए सबका मन हरा भरा प्रकृति बोल रही है हमें बुला रही है मनाओ हर वक्त महोत्सव मन में हो एक उत्सव और पौधे या बीज हम लगाएं बहुत गहरी बीज है सोचने वाली बात है लगाओ पौधे और बनाओ हरा भरा खिल जाए सबका मन हरा भरा प्रकृति बोल रही है हमें बुला रही है मनाओ हर वक्त महोत्सव मन में हो एक उत्सव और पौधे या बीज लगाओ मतलब जब भी पौधे और बीज लगाएंगे देखो उत्सव की तरह हो प्रकृति पुकारती है हमें बुलाती है जब भी हम पास जाएं प्रकृति बताती है प्रकृति पुकारती है हमें बुलाती है जब भी हम पास जाएं प्रकृति बताती है जब जब हम पहाड़ों के सैर को निकले हाँ जब जब हम पहाड़ों के सैर को निकले जब भी हम प्रकृति के द्वार पर निकले मन में एक उत्साह हो हाँ मन में एक उत्साह हो और पौधे और बीज हम लगाएं पौधे और बीज हम लगाएं जब जब हम प्रकृति को देखने जाए जब जब हम प्रकृति को देखने जाएं, जब जब तब तब बीज और पौधे लेकर जाएं और रोपित करें प्रकृति को हरा भरा आओ सब करें प्रकृति को हरा भरा आओ सब करें और मनाएं एक उत्सव और पौधे या बीज हम लगाएं, जब जब हम जरूरत के लिए पेड़ काटें हाँ जब जब हम जरूरत के लिए पेड़ काटें जब जब हम जरूरत के लिए उन्हें छाटें तब तब तुम भी पौधा लगाए बीज बोए तब तक तुम भी पौधा लगाए बीज बोए प्रकृति को बनाए उनका अस्तित्व ना हम खोए प्रकृति को बनाए उनका अस्तित्व ना खोए ये कल है हाँ ये कल है भविष्य के फल है इसे बढ़ाओ हर वर्ष पौधे और बीज लगाओ ये कल है भविष्य के फल है इसे बढ़ाओ हर वर्ष पौधे और बीज लगाओ प्रकृति को हरा भरा बनाओ हाँ प्रकृति को हरा बना बनाओ प्रकृति को खूबसूरत बनाओ मनाओ हर वक्त महोत्सव मनाओ हर वक्त महोत्सव मन में हो एक उत्सव जब पौधे या बीज हम लगाए जब पौधे या बीज लगाए तो ये आज हिमाचल के द्वारा सभी लोगों को एक मैसेज है जब भी आप आजकल लॉकडाउन के द्वारा दौरान लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं आप जब पहाड़ों की ओर जा रहे तो पौधे लेके जाएं पौधे नहीं तो बीज लेकर जाएं और पहाड़ों में आप प्लास्टिक जैसे चीज़ों का बंद करें हो सके तो आप जाकर वहां पर एक स्वच्छता अभियान भी करके आए आ... प्रदीप कौंडल जी मैं आपको अंतिम रचना ज़रूर सुनाऊंगा जिसमें हमारी लोकल भाषा में होगी और मैं अभी दो दो रचनाएं और हैं उसके बाद मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा और आशीर्वाद लूंगा तो गरीब हैं पर लापरवाही नहीं आप जानते होंगे कि गरीब इंसान ज़रूर होता है लेकिन वो कभी लापरवाह नहीं होता कभी बेपरवाह नहीं होता वो कभी गलतियां नहीं करता लेकिन वो अपनी गरीबी होने का दर्द ज़रूर महसूस करता है गरीब ये शीर्षक है गरीब हैं पर लापरवाह नहीं हाँ गरीब हैं पर लापरवाह हम नहीं गरीब हैं पर बेपरवाह हम नहीं कम खाते ज़रूर है पर फेंकते हम नहीं गरीब हैं पर लापरवाह हम नहीं गरीब हैं पर बेपरवाह हम नहीं कम खाते जरूर है पर फेंकते हम नहीं भूखे सोते जरूर है पर किसी को लूटते हम नहीं गरीब हैं पर लापरवाह हम नहीं कुदरत का कहर कैसा भी हो कुदरत का कहर कैसा भी हो लोगों का हमारे ऊपर स्वभाव जैसा भी हो रोते हम फिर भी कभी नहीं टूटते फिर फिर भी हम कभी नहीं गरीब हैं हम पर लापरवाह हम नहीं के एस राजौरिया जी धन्यवाद कुदरत का कहर कैसा भी हो लोगों का हमारे ऊपर स्वभाव जैसा भी हो रोते हम फिर भी कभी नहीं टूटते हम फिर भी कभी नहीं गरीब है हम पर लापरवाह हम नहीं सताए बहुत गए हम सताए बहुत गए हम रुलाए बहुत गए हम फिर भी शान से जीते हैं सताए बहुत गए हम रुलाए बहुत गए हम फिर भी शान से जीते हैं फिर भी अभिमान से जीते हैं हर वक्त आंसुओं को नहीं पीते हम हर वक्त आंसुओं को नहीं पीते हैं गमों को छुपाए जरूर रखते हैं हम गरों गमों को छुपाए जरूर रखते हैं हम गरीब हैं पर लापरवाह हम नहीं रूखा सूखा जो भी मिलता है हाँ रूखा सूखा जो भी मिलता है सब्सिडी पर सस्ता बोलकर जो भी मिलता है पत्थर कीड़े मकोड़े बीन कर खाते हैं हम रूखा सूखा जो भी मिलता है सब्सिडी पर सस्ता बोलकर जो भी मिलता है पत्थर कीड़े मकोड़े बीन कर जो भी खा हम खाते हैं खून पसीने की कमाई हम खाते हम खून की, खून पसीने की कमाई से हम जीते हैं फिर भी ना हम रोते हैं अपनी किस्मत पर ना हम रोते हैं पत्थर कीड़े मकोड़े कर हम खाते हैं खून पसीने की कमाई से हम जीते हैं दर्द जरूर होता है अपनी, अपनी किस्मत पर दर्द जरूर होता है अपनी किस्मत पर फिर भी ना हम रोते हैं अपनी किस्मत पर गरीब हैं पर लापरवाह हम नहीं विक्रम जी आधा आशीर्वाद हमने मंत्री बनाए हमने मंत्री बनाए हमने संतरी बनाए हमने मंत्री बनाए हमने संतरी बनाए हमने नेता अभिनेता भी बनाए हमने मंत्री बनाए हमने संतरी बनाए हमने नेता अभिनेता भी, भी बनाए हमने अमीरों को और अमीर बनाया हमने अमीरों को और अमीर बनाया हमने चाय वाले तक को देश का प्रधानमंत्री बनाया हमने मंत्री बनाए हमने संतरी बनाए हमने नेता बनाए हमने अभिनेता बनाए हमने अमीरों को और अमीर बनाया हमने चाय वाले तक को देश का प्रधानमंत्री बनाया पर हमने कभी लूटा नहीं पर हमने कभी देश लूटा नहीं गरीब है पर लापरवाह हम नहीं गरीब है पर लापरवाह हम नहीं धन्यवाद आदरणीय विक्रम जी अंतिम रचना है मेरी और आप लोग आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ और अंतिम बने रहे इसके बाद मैं आपको अपनी भाषा में एक लाइन सुना के जाऊँगा क्योंकि अगर मैं किनौरी भाषा में सारी लाइन आपको सुनाता सारी कविताएँ सुनाते तो शायद आप लोग मुझसे इतना जुड़ते नहीं हम फिर भी जो भाषा जो हमारे पेज का उद्देश्य है अपनी भाषा को बनाए रखना अपनी संस्कृति को बनाए रखना अपने धरोहर को बचाए रखना मैं अपने एक अंतिम रचना के साथ अलविदा लूँगा और आप लोगों का आशीर्वाद अगर भविष्य में मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर आऊँगा ये मेरी अंतिम रचना है मुश्किल मुश्किल में मुस्काना सीखो कोरोना का दौर है ये हटेगा छटेगा लेकिन दर्द दे के जाएगा लेकिन दर्द में भी हमें मुस्काना सीखना है बदलते हुए परिवेश में खुद को ढलना सीखो बदलते हुए बदलते हुए प्रवेश में खुद को ढलना सीखो रिश्तों की ढीली डोर को मजबूती से पकड़ना सीखो मुश्किल में मुस्काना सीखो बदलते हुए प्रवेश में खुद को ढलना सीखो रिश्तों की ढीली डोर को मजबूती से पकड़ना सीखो मुश्किल में भी मुस्काना सीखो बदलते हुए प्रवेश में परिवर्तन लाना सीखो बदलते हुए परिवेश में परिवर्तन लाना सीखो बदलते हुए जमाने में स्वयं को बदलने की आदत सीखो बदलते हुए मौसम में बदलते हुए परिवेश में खुद को ढलना सीखो रिश्तों की ढीली डोर को मजबूती से पकड़ना सीखो मुश्किल में भी मुस्काना सीखो बदलते हुए मौसम में परिवर्तन लाना सीखो बदलते हुए जमाने में स्वयं को बदलने के सीखो मुश्किल में भी मुस्काना सीखो बदलते हुए रिश्तों में हाँ बदलते हुए रिश्तों में मजबूरियों को समझने की परख सीखो बदलते हुए रिश्तों में मजबूरियों को समझने की परख सीखो हर वक्त यहाँ तस्वीर बदलती है हर वक्त यहाँ तस्वीर बदलती है हर तस्वीर को खूबी हर तस्वीर की खूबी को समेटना सीखो बदलते हुए रिश्तों में मजबूरियों को समझने की परख सीखो हर वक्त यहाँ तस्वीर बदलती है हर तस्वीर की खूबी को समेटना सीखो मुश्किल में भी मुस्काना सीखो अंतिम है ये जरूर सुनेगा कोरोना आएगा कोरोना जाएगा कोरोना आएगा कोरोना जाएगा नु, नुकसान नफ़ा करके जाएगा कोरोना आएगा कोरोना जाएगा नुकसान नफा करके जाएगा बदलते हुए प्रवेश में मास्क लगाना सीखो बदलते हुए प्रवेश में मास्क लगाना सीखो खुद को अब कोरोना काल में ढलना सीखो मुश्किल में भी मुस्काना सीखो कोरोना आएगा कोरोना जाएगा नुकसान नफ़ा करके जाएगा बदलते हुए प्रवेश में मास्क लगाना सीखो खुद को अब कोरोना काल में ढलना सीखो मुश्किल में भी मुस्काना सीखो धन्यवाद आप लोगों का आशीर्वाद आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ ये मेरी अंतिम रचना थी और मैं आदरणीय प्रदीप कौंडल जी आदरणीय प्रमोद हर्ष जी आदरणीय विक्रम कौशल जी आदरणीय सुदेश जी मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जिसने जिन्होंने मुझे आज आप लोग इस मंच में मुझे जुड़ने का मौका दिया और रूबरू करवाया और और मैं अंतिम रचना सुनाने से पहले चाल आपको सुनाता हूँ मुझे उस अजनबी से इतना प्यार क्यों है हाँ मुझे उस अजनबी से इतना प्यार क्यों है इनकार करने पर भी चाहत का इकरार क्यों है उसे पाना तो मेरी तकदीर में नहीं शायद अब उसे पाना तो मेरी तकदीर में नहीं शायद अब फिर भी हर मोड़ में उसका इंतजार क्यों है फिर भी हर मोड़ में उसका इंतजार क्यों है हाँ ये आप लोगों की इच्छा थी कि अंतिम रचना में अपनी भाषा में सुनाऊँ और मैं अपनी भाषा में हमारे किन्नौर में भाषाएं तो अलग अलग है अब किन्नौरी गाना सुना होगा वो भाषा अलग है आ, तो मैं जो सुना रहा हूँ मेरी अपनी घर की भाषा है जो हमारे समाज में हमारी अपनी भाषा है जैसे गोत्र भाषा उसमें सुना रहा हूँ क्यों बोल दी तू माला नालायक क्यों बोल दी तू माला नालायक तो ते बोल हाऊ कासरो लायक क्यूँ बोलदी तू माला ना लायक ते बोल हाँ कासरो लायक जब भी बोलना हो तुसे बोल जब भी बोलना हो तुसे बोल ना तू चोर दीगान चिड़ुक थक जब भी बोलना हो तुसे बोल ना तू चोर दीगान चुड़क थक हुआ हाँ सोच के ना लायक सु हुआ हाँ सोच के ना लायक सु ते बोल हाँ कासरो लायक सू क्यूँ बोलदी तू माला ना लायक ते बोल हाँ कासरो लायक इसका मतलब था कि क्यों बोलते हो तुम तो मुझको ना लायक तो बताओ मैं किसके हूँ लायक मेरे अंदर कौन सी कमी है जो तुमको ना जमी है जो कुछ भी कहना हो प्रिय तुम सब तुम सब कह डालो जो कुछ भी कहना हो प्रिय तुम सब कह डालो ना तुम चोरों की तरह चुप रहो क्या सच में मैं नालायक हूँ तो बताओ मैं किसके लायक हूँ ये था क्यों बोल दी तू मला नालायक ते बोल हाउ कासर लायक जो भी बोलना हो तू से बोल ना तू चोर दी गान चुड़ुक थक हुआ हाउ सोच के नालायक सू तो बोल हाउ का लायक सू धन्यवाद अलविदा आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा और अलविदा चाहता हूँ आप लोगों का फिर मिलेंगे मेरी जो रचनाएं जो अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा और मुझे जुटते रहिए मैं अलविदा चाहता हूं और फिर कभी आऊँगा तो नई रचनाओं के साथ आऊँगा समाज के साथ समाज को जोड़ने की और हमारे भाषा संस्कृति जो बनाए रखने के लिए जो भी रचनाएं होगी मैं ज़रूर लेकर प्रस्तुत हूँ और अंतिम रचना में किनौरी ज़रूर सुना के जाऊँगा धन्यवाद आदरणीय प्रदीप कौंडल जी